अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे भैन भरा सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला तुम तंदुरुस्ती दे सेहत दे ते ऐसी प्यारी सी दुआ नाल करदे वीडियो अज दी शुरू के अज जुमा तल मुबारक आ तुहानू बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक होवे। हुण असीं रखण लगे आ रोज़ा ते सुबह सुबह सैरी दा वक्त आ ते सैरी दा वक्त आ शुक्र अलहमदुलिल्लाह कि थोड़ी देर वास्ते अल्लाह ताला ने बारिश भी रोकी आ। सारी रात हो गई कि बारिश हो रही आ ते हुण मैं अपने बेटे नूं उठाउण लगी कि रोज़ा रख लैण ते अज उहनां नूं उठाउणी आ। फिजान फिजान अहमद उठ बच्चे, रोजा रख लो, रोजा रखना, उठो। अपने वड्डे बेटे ने उठाया रोजा रखने वास्ते ते ए मेरी छोटी बेटी पई है ते वड्डी मेरी जेहड़ी एक वड्डी बेटी आ उहदे करके जरा मेरी वीडियो मिस हो गई सी ते इस करके क्योंकि उहनूं उहदे उपर दूध की जा उह सारी जल गई आ ते उहदी ए सैड सारी जल गई आ ते इस करके मेरी वीडियो मिस हो गई सी ते हुण मैं अपने छोटे शान अहमद रोजा रखना जी। उठो बच्चे, रोजा रख लो, उठो। मम्मा हुण बना लगी सैरी ते रोजा रख लियो है ठीक है ना। और हुण उपर चाय रखी आ पकनी ते आटा गुन्नण लगी आ। हुण आटा गुन्न के रख दी आ तो बस पराठे बनाने बच्चों वास्ते। दही मंगाई सी ते दही रखी हुई है और सालन नहीं रखे हुआ, सालन थोड़ा बनाने ते सालन थोड़ा होर भी बनाना पेगा क्योंकि रात वाला सालन सी ते थोड़ा कम ते हुण सालन का भी कोई अरेंज कर दे हां। थोड़ा जिहा आंडे उंडे मंगा के वही बना लेंगे। हुण साडी चाय बन गई है, चाय साडी बन गई है ते दुआ करो कि मेरी बेटी बेचारी बहुत मुश्किल हालात के बीच गुजरी है कि वह बेचारी सारी जल गई है ते इस करके मेरी वीडियो भी वो करके मिस हो गई सी ते मेरी बेटी का चेहरा भी जलिया, पसीना वगैरह सारा दूध गिरया कल ते दूध की वजह तो सारी जल गई है बेचारी ते इस करके फिर उन्होंने डॉक्टर के कोल कल लेके जाए गई हैं ते डॉक्टर ने दवाई वगैरह भी दी है, टूब वगैरह भी दी है। लेकिन यह दुआ करो, सब की दुआवों की जरूरत आ कि यह दुआ करो मेरी बेटी के चेहरे के उत्ते निशान ना बनन क्योंकि बच्ची हैगी है, इस करके डर यही है कि चेहरे के उत्ते निशान ना बन जाए। मैं हुण आटा गुन्नण लगी हाँ, मैं कि चलो आटा गुन्नो पहले क्योंकि सैरी का वक्त बहुत कम हो गया तो इस करके पहले आटा गुन्नो। मैं हुण पराठा बनाउण लगी हाँ क्योंकि सैरी का टाइम आटा ताज़ा ते रोटी सही नहीं बन रही इस करके जल्दी जल्दी बना रही हाँ। चकले बेले ना अस कभी रोटी बनाई नहीं। पराठे हो गए तैयार ते रोटी वगैरह बन गई है ते मैं अपने वास्ते सादी रोटी बनानी हाँ क्योंकि मैं पराठा नहीं खाती हैगी, मैं थोड़ा मैदे का मसला बनया हुआ ते मैं नहीं पराठा खाती। मैं डॉक्टर ने मना किया हुआ कि तू पराठा नहीं खाना ते इस करके मैं अपने वास्ते सादी रोटी बनानी है। हुण सालन वगैरह भी गर्म कर दे रोटी बना के बस आ रोटी बना लास्ट रोटी है। हुण मेरा बेटा सुबह सुबह नाश्ता कर रहा रोज़ा रखने वास्ते ते इन्हें मैं कहा सी अंडा बना दिनी हाँ ते कहिंदा नहीं मम्मा मैं नहीं अंडा खाना, मैं चाय नाल खा लाँगा रोटी ते हुण चाय नाल रोटी खा रहा क्योंकि इहनूं आदत आ कि चाय नाल खाणी ते मैनूं कहा भी सी अंडा ले ला, कहिंदा नहीं मम्मा मैं चाय नाल ही खा लाँगा। जिस तरह के हम थोड़ा पता कि सुबह सुबह सैरी का टाइम से रोज़ा रोज़ा रखा तो हम उसकी नमाज का वक्त हो गया से नमाज नमूज पढ़ी है तो पढ़ के तो साढ़े इंसान की बच्ची आ ते मेरी बेटी का ना पता लेना आई सी क्योंकि वो दोस्त आ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ੀ ਸੜ ਗਈ ਆ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸੜ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਈ ਆ ਦੁੱਧ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਮਿਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐ ਵੀ ਮਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਤਾਰ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।